यह सफ़ेद बाघ का बाड़ा है। इस समय प्राणी उद्यान में 3 सफ़ेद बाघ हैं। जो बाघिन आप देख रहे हैं इसका नाम विशाखा है। इसको भिलाई प्राणी उद्यान MP से लाया गया था। इसकी जन्म तिथि 29 नवंबर 2011 है। इस समय इसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है। विशाखा और सफ़ेद बाघ आर्यन के मिलन से लखनऊ प्राणी उद्यान में 2 नर शावकों का जन्म हुआ जिनका नाम जय और विजय है। विजय को राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली भेज दिया गया था तथा वहां से गीता जो कि मादा बाघिन है को लखनऊ प्राणी उद्यान दिनांक 23 जुलाई 2019 को लाया गया। गीता की जन्मतिथि 18 मार्च 2015 तथा जय की जन्मतिथि 16 अगस्त 2016 है। यह गीता और विजय हैं। आनुवंशिक परिवर्तन के कारण सफ़ेद बाघों का रंग सफ़ेद होता है। सफ़ेद बाघ को सबसे पहले 60 के दशक में रीवा के जंगलों में रीवा के राजा ने देखा था। उन्होंने इसे पकड़वाकर अपने महल में रखा और उस बाघ का नाम मोहन रखा। आज जितने भी सफ़ेद बाघ हैं वो सभी मोहन सफ़ेद बाघ के वंशज हैं। नर बाघ की लंबाई 9 से 10 फुट एवं मादा की लंबाई लगभग 8 फुट होती है। टाइगर को पानी में खेलना पसंद होता है, अतः वह बाड़े में स्थित छोटे से तालाब में खेलते रहते हैं। यह सफ़ेद रंग के शरीर पर काली धारियां लिए हुए सुंदर जानवर होते हैं। इनका वज़न 175 से 225 किलोग्राम तक होता है। इनकी आयु लगभग 14 से 15 वर्ष। मादा बाघ 3 वर्ष की उम्र से तथा नर बाघ 4 वर्ष की उम्र से प्रजनन आरंभ करते हैं। इनका गर्भकाल 103 से 105 दिन तक होता है तथा एक बार में 2 से 4 शावक जन्म लेते हैं। व्हाइट टाइगर को वन्य जीव अधिनियम की अनुसूची 1 में रखा गया है।